दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक हंट को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों अगर आप भी गूगल असिस्टेंट यूज करते हो और आप जानना चाहते हो कि गूगल असिस्टेंट वॉइस चेंज हो सकती है नहीं, अगर चेंज हो सकती तो कैसे हो सकती है, आज की वीडियो दोस्तों इसी टॉपिक पे होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंश, आप देख रहे हैं टेक हंट, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें गूगल असिस्टेंट वॉइस की दोस्तों, आज के डेट में यार हर कोई यूज करता है यार गूगल असिस्टेंट, मतलब बेसिकली शॉर्टली हर काम को शॉर्ट करने के लिए दोस्तों हम हर नए तरीके ढूंढते हैं। इसलिए दोस्तों अगर हमें किसी को सर्च करना है या इसलिए दोस्तों हम क्रोम पे जाने से लिखने से बेटर दोस्तों हम डायरेक्ट गूगल असिस्टेंट ऑन करके सर्च कर सकते हैं, ये सकते हैं वॉइस सर्च। दोस्तों कभी हमने सोचे कि अगर जो भी हम वॉइस सर्च जैसे किसी के गूगल असिस्टेंट की जो वॉइस होती है वो हमेशा दोस्तों फीमेल टाइप की जो होती है उसको हम कभी चेंज कर सकते हैं, अगर चेंज कर सकते हैं तो कैसे चेंज कर सकते हैं, किस तरह से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, और वीडियो को थोड़ी सी पसंद तो लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं होता है सब्सक्राइब कर भी ना मत देना, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस आपको सबसे पहले पहुंचती रहती है। और जिन्होंने भी तो इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो नहीं किया तो फटाफट से मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। दोस्तों बेसिकली गूगल असिस्टेंट वॉइस जो दोस्तों डिपेंड करता है किसी फैक्टर्स पे, जैसे कह सकते हैं हमारे को एक ही वॉइस देखने को मिलती है फीमेल जो भी होती है यार उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, जैसे जगह पे डिपेंड करते हैं, लोकेशन बेसिकली जगह लोकेशन पे कंट्री में कहाँ आप रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे मैं रहता हूँ दिल्ली में, तो मैं भी आपको सारा प्रूफ दिखाऊंगा, मेरे सिर्फ जैसे मेरे जो एक ओरिजिनल वॉइस होती है गूगल असिस्टेंट की तो नहीं, उसके अलावा एक मेरे पास एक और वॉइस भी है। अगर दोस्तों आप कहीं और रहते हो और आपको अगर चेंज करनी है दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए है, मतलब वीडियो थोड़ी शॉर्ट होने वाली है बट कोई नहीं इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो पूरा देखना वीडियो को। दोस्तों अब काम करते हैं, मैं सारा प्रोसीजर कैसे सारी सेटिंग्स है मैं सब आपको फोन की सिम के ऊपर ले जाकर बताऊंगा, बट फोन की सिम के ऊपर चलेंगे नहीं आज, फोन की सिम हमारे पास आएगी, तो फटाफट से काम करते हैं सारा प्रोसीजर जान लेते हैं। दोस्तों फोन की स्क्रीन के ऊपर ले जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, दोस्तों मैं आज की वीडियो गूगल असिस्टेंट वॉइस के ऊपर लेके आया हूँ, ना कि मैं गूगल असिस्टेंट लैंग्वेज के ऊपर लेके आया हूँ। दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज होने गया कि हमारे में, तो मैं पहले बता दूं दोस्तों लैंग्वेज मतलब यहाँ पर जर्मन हो गया, स्पेनिश हो गया, डच हो गया, इस तरह की लैंग्वेज दोस्तों, और वॉइस में दोस्तों बहुत डिफरेंस है, मेरे को पता है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बट हाँ दोस्तों ऐसा कभी नहीं है कि आप जहाँ पे भी रहते हो एटलीस्ट आपको एक वॉइस मिल सकते हैं आपकी डिफॉल्ट वॉइस जो भी है गूगल असिस्टेंट की, उसके अलावा एक एटलीस्ट देखने को मिलेगी, यानी कि जो डिफॉल्ट है उसके अलावा आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा सिलेक्ट करने का। दोस्तों जहां मैं रहता हूँ वहां पे मेरे को एटलीस्ट वन तो मिली, यानी कि मेरा डिफॉल्ट भी रहेगा, मेरे को कोई वॉइस चेंज करने को नहीं मिली। दोस्तों लैंग्वेज आप मल्टीपल चेंज कर सकते हो, डच हो गया, स्पेनिश हो गया, बहुत सारी लैंग्वेज हो गया, बट दोस्तों वॉइस लिमिटेड में होता है, ये नहीं कि आपको अनलिमिटेड वॉइस मिलेगी, नहीं दोस्तों आपको ये बस इंजॉय के लिए होता है यार, मतलब फ्रेश के लिए, फ्रेशनेस के लिए होता है कि आप एक तरह एक आवाज से बोर हो गए तो दूसरी आवाज से कॉल मतलब कह सकते हैं वॉइस कर सकते, मतलब ये गूगल असिस्टेंट को यूज कर सकते हो। दोस्तों बेसिकली अब बताता हूँ फोन की स्क्रीन के ऊपर ले जाके, दोस्तों बेसिकली आपको क्या करना है, मैं सारा फोन के ऊपर यहीं से बता दूंगा, आपके सामने राइट में सब कुछ शो होता जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल असिस्टेंट को ओपन करना है, गूगल असिस्टेंट को ओपन करने के लिए क्या करना है, होम की को प्रेस करके रखना है, और दोस्तों जब वो ओपन हो जाए आपको क्या करना है, राइट साइड में आपको बॉटम में आपको दोस्तों कंपास का आपको आइकन दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन के ऊपर भी, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों उसके ऊपर जब क्लिक कर दोगे तो आपको राइट साइड में ऊपर आपके अकाउंट का आइकन देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके ऊपर जब क्लिक कर दोगे तो उसके सामने दोस्तों कुछ सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अकाउंट के जस्ट नीचे आपको उसके ऊपर टैप कर देना है। दोस्तों आपको जब टैप सेटिंग्स के ऑप्शन पर टैप कर देने के बाद आपको ऊपर दोस्तों योर इन्फो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और असिस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सर्विस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और होम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको असिस्टेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, असिस्टेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद आपको सामने एक सब ऑप्शन खुल जाएंगे, जिसके अंदर आपको सबसे पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि है गूगल असिस्टेंट वॉइस, आपको उसके ऊपर सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट कर देने के बाद आपको क्या करना है, आपको दोस्तों बहुत सारे आपके सामने वॉइस देखने को मिल जाएंगी जो भी आपके लोकेशन पे डिपेंड है, कैसे आपके लोकेशन के अकॉर्डिंगली आपके वहाँ पे है, तो वहां से कोई से भी सिलेक्ट करके अपने फोन के अंदर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों बेसिकली मैं मतलब आज की वीडियो इसी टॉपिक से बनानी थी यार, मतलब छोटी सी बनानी थी बट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी थी। दोस्तों हर जो भी बंदा यूज कर रहा है फोन उसके लिए हर एक डिफरेंट लैंग्वेज मतलब डिफरेंट सेटिंग्स होगी, यानी जो मैं MI का फोन यूज करता हूँ वो आपके फोन में सेटिंग्स होंगी, स्पेशली मैं MI का करता हूँ तो बेसिकली हर फोन से हटके होती है उसकी सेटिंग, मतलब अलग अलग ऑप्शन देते हैं तो अपने अकॉर्डिंगली देखना है, बट जो यही मतलब स्टेप्स ही रहेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल असिस्टेंट ओपन करना है, असिस्टेंट ओपन कर देने के बाद आपको राइट साइड में बॉटम में आपको कंपास का आइकन दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर राइट साइड में आपके अकाउंट का लोगो आपको दिख जाएगा, आइकन आपको दिख जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने ऑप्शन खुल जाएंगे, आपको उसमें से सेटिंग्स ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है।
सेटिंग्स ऑप्शन सेलेक्ट कर देने के बाद आपके सामने कुछ मतलब हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल में आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको उसके अंदर आपको असिस्टेंट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। असिस्टेंट वाले ऑप्शन क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ सब ऑप्शन खुल जाएंगे, उसमें से आपको गूगल असिस्टेंट वॉइस का ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। और जैसे आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने कुछ वॉइस का दिख जाएगा। आपको राइट स्वाइप करना है, लेफ्ट स्वाइप करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, जो भी आपको वॉइस सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। जैसे आप मेरे फोन की स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि मैं कैसे मतलब मेरे में एक ही वॉइस अवेलेबल है, तो मैं वही सिलेक्ट करके मतलब मुझे ले रहा हूँ। मतलब एक वॉइस से मैं बोर हो गया था, तो मैंने सोचा कि नई वॉइस होनी चाहिए, तो नई वॉइस को थोड़ा यूज करा जाए, नई वॉइस कैसी है देखा जाए। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। मेल में मतलब जो नॉर्मल डिफॉल्ट आती है सबके अंदर, वो फीमेल में ही आती है, तो मेरे वाली मेल में है। तो देखते हैं आपके लोकेशन में आपके उसमें क्या डिपेंडमेंट करती है वॉइस। तो बस दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी थी। आशा करता हूं आपको पसंद आएगी। पसंद है लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे भी ना मत जाना, क्योंकि लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चैनल पर सबसे पहले अपलोड होती रहती है। और दोस्तों सपोर्ट करते रहना, मैं वीडियो में बोलता हूं दोस्तों बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है यार, मतलब आपने जितना प्यार दिया ठीक है और बहुत ज्यादा चाहिए। तो बस मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ। Tell me pretty lies, look me in the face.